और अभी आयुष्मान का बाइक यहाँ पे धुल रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारा बाइक्स है, नया बाइक भी है, एक्सचेंज वाला भी है, और बीच में एक लेजेंडरी आइटम निंजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं क्या, अभी मैं हूँ मार्केट एंड आज हम लोग जा रहे हैं क्या अराउंड 300 किलोमीटर का राइड होने वाला है आज। तो क्या अपना कर पाएंगे, रेडी हो चुका है, तो चलते हैं अभी। आगे और भी दोस्त लोग है, आयुष्मान है एंड एक अंकल है एंड और एक भाई भी है। तो टोटल हमारे साथ आज 3 बाइक है। तो आप लोग बने रहिए बाइक का। अंकल जी, ये आयुष्मान जाने वाला अपना KTM को लेके, इसका इसका सभी का सर्विसिंग होगा आज, और इसका भी एयर रॉयल एनफील्ड एंड वहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड, दोनों का सर्विसिंग एंड इसका भी सर्विसिंग करने जा रहे हैं। एंड ये दोनों बाइक लिया हुआ कितना हुआ, 1 महीना हो गया? नहीं हुआ, हफ्ता हुआ, 1-2 हफ्ता ही हो रहा है, 1 हफ्ता ही हुआ है। तो अभी हम लोग हैं KTM शोरूम पे, तो फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम पे एंड नज़ारा कुछ ऐसा है। एंड अभी आयुष्मान का बाइक अंदर सर्विसिंग हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से, अभी देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। हाईवे के बिल्कुल साइड में ही है और भाई साहब यहाँ पे 390 एडवेंचर न्यू कलर में मस्त लग रहा है एकदम। और ये भी है 390 एडवेंचर, कौन सा कलर पसंद लग रहा है? अपडेट कर लो यार, इसको छोड़ के इसको ले लो, अभी एक्सचेंज एक्सचेंज होगा पुराना बाइक का साथ में, होते है तो होते है, थोड़ा पैसा देना। कितना मिलेगा, मतलब क्या रेट से आपका बाइक? बाइक कंडीशन देख, बाइक पहले देख लेगा। अच्छा, मेरा कुछ चेंज भी कर दे। नया 390, ओ भाई मस्त लग रहा है। और ये है 390 न्यू ऑरेंज कलर,
है 200 जो कि इसका लाइट ऐसा आता है एंड ये है 250। ओ भाई बढ़िया थे भी ये सही है यार एडवेंचर। एक जूस भी मस्त यार पतला सा इसे कवर आता होगा ना ऐसे होते क्या इसका ऊपर कुछ नहीं है नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं बैक साइड में हूँ अभी यहाँ पे देखिए एंड आयुष्मान अभी बाइक सर्विसिंग करवा रहे हैं अपना एंड रास्ते के साइड में बहुत क्राउड है बिल्कुल हाईवे के साइड में ही है यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे हाईवे है और बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है यार यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिएगा अभी मस्त सर्विसिंग हो चुका है और अभी आयुष्मान का बाइक यहाँ पे धुल रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारा बाइक्स है नया बाइक भी है एक्सचेंज वाला भी है और बीच में एक लेजेंडरी आइटम निंजा काफ़ी पुराना लग रहा है इसका बाइक धुल रहा है। फाइनली इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ बहुत टाइम से रुक रहा था यार सुबह हम लोग निकले थे लाइक 7:30 एंड कुछ खाया भी नहीं था बहुत भूख लग गया 12 बज चुके हैं अभी एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारा बाइक्स है और ये सब नया नया बाइक है एंड वो साइड पे जो दिख रहा है वहाँ पे पुराने बाइक्स हैं लाइक एक्सचेंज वाले एक्सचेंज करके भी यहाँ पे बाइक नया नया ले जाते हैं एंड इधर भी बहुत सारा बाइक है जो कि सर्विसिंग लिए रखा होगा एंड इसके बीच में नया नया बाइक्स भी है एंड पुराना बाइक्स भी है। सो यही है अंदर का नज़ारा एंड ये कुछ ऐसा है। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से एंड मिलेंगे शरद लोग को वापस से एंड कुछ खाएंगे उसके बाद। ये था अंदर का नज़ारा एंड बाहर से कैसा है वो भी दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल हाईवे के साइड में है एंड ऑपोजिट में वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है एंड ये है हाईवे एंड कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। क्या है न्यू कलर 390 काफ़ी मस्त लग रही है। तो ये है अपना बिल जो कि 4,300 रुपये का भाई का चुना लगने वाला है अभी। चलो फाइनली 1 अपना काम हो गया एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए भाई बहुत भूख लग रहा है। ऐसा अभी क्या खिलाएगा देखते हैं। सब कुछ सीधा हो गया अभी तो सैंडल सैंडल सब सीधा हो गया अभी सब कुछ सीधा हो गया बाइक एकदम मक्खन। यहाँ में कलपत्रू होटल है बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए डांस करने 1 चुका है भाई आयुष्मान भूख लग रहा होगा खराब से और ये है हमारा भेज थाली। क्या क्या है आयुष्मान यहाँ पे बहुत सस्ता है खाने के लिए बहुत कुछ है कितना है प्लेट का 150 का पनीर भी है पनीर ला रहे हैं अभी पनीर ओके लेके 150 है। सबका बाइक सर्विसिंग हो चुका है अभी एकदम मक्खन हो गए सब लोग अभी पेट्रोल भराएंगे उसके बाद सीधा घर की ओर। मिले जाओ वो स्कैन कर दीजिए। Few moments later. Oh.
few moments later. रात हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं अंधेरा हो रखा होने वाला है अभी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।